निकिता निक स्कूल से मैं आपके साथ अपने मेकअप लुक शेयर करती हूँ और आज मैं आपके लिए ये मेकअप लुक लेकर के आई हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राइमर के लिए मैं लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर यूज कर रही हूँ। कलर करेक्टर के लिए मैं ये निक्स की पैलेट यूज कर रही हूँ, निक्स कलर करेक्टर पैलेट। लिप बाम के लिए मैं ये बायो ब्लूम का पॉलिश लिप बाम ले रही हूँ। बायो ब्लूम में काफी सारे फ्लेवर हैं, लिप बाम में मिंट है, चॉकलेट है, अलग अलग फ्लेवर हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ऑरेंज है। ऑरेंज की स्मेल जो है एकदम से रिफ्रेश कर देती है माइंड को, इसलिए मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है। फाउंडेशन के लिए आज मैं इनिसफ्री की स्मार्ट फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इसका शेड है 23। इसका कलर जो है मेरी शेड से बहुत ज्यादा लाइटर है, इसलिए मैं इसमें नायका की स्किन जीनियस शेड नंबर 5 की एक ड्रॉप डाल करके मिक्स कर रही हूँ। इसे सेट करने के लिए मैं इनिसफ्री का ये ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ले रही हूँ। आईज के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन की माई साइन स्कॉर्पियो आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें आपको आई शेडो प्राइमर 2 शेड जो है वो ब्रो पाउडर मिल रहे हैं, 3 शेड आपको आई शेडो के मिल रहे हैं और 1 जो है ये हाईलाइटर है। मैं आपको हाईलाइटर स्वॉच करके दिखाती हूँ। इट इज लाइक ब्यूटी। मैं अपने फिंगर से आई शेडो प्राइमर लगाऊंगी और एक एंगुलर ब्रश यूज करके अपने ब्रॉज जो है वो मैं फिल करूंगी ब्रो पाउडर से। मैं क्रीज के लिए ये जो लाइट ब्राउन पाउडर है ब्रो पाउडर है जो ये ऐसे ही यूज करूंगी। आज मैं होलो आई क्रिएट करने वाली हूँ तो इसलिए मैं ये जो पर्पल शेड है पहले इसे यूज करूंगी। हमें आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर में ये पर्पल शेड बिल्डअप करना है। जब दोनों तरफ अच्छे से कलर बिल्ड हो जाए उसके बाद मैं ये पर्पल शेड लूंगी। और आई शेडो को एकदम सेंटर में प्लेस करना है अपने लिप के। और अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश पे ये सेम कलर लेकर के दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। डार्क ब्राउन शेड है इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। काजल के लिए मैं ये नायका रॉक द लाइन काजल यूज कर रही हूँ।
और आईलाइनर के लिए मैं ये नायका का ब्लैक मैजिक आईलाइनर यूज कर रही हूँ। कंटूरिंग के लिए मैं ये निक्स पैलेट यूज कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैं सेम पैलेट यूज कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैं ये मिस कोड पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें आपको 6 शेड मिल जाते हैं, 3 जिसमें शिमरी हैं और 3 मैट हैं। अब मैं स्टैम ब्यूटी ब्लेंडर से जितना भी पाउडर है मेरे फेस पर उसको सेट कर दूंगी। लिप लाइनर के लिए मैं ये डेविस का 017 नंबर लाइनर यूज कर रही हूँ। लिप्स के लिए आज मैं ये ब्लू हेवन की 2 लिपस्टिक्स यूज कर रही हूँ। अभी मैं नंबर 35 यूज कर रही हूँ। अब मैं शेड नंबर 70 यूज कर रही हूँ। और इस लुक को मैं एक बिंदी से कंप्लीट करूंगी। सो गाइस, ये मेरा फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।